दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप स्टीव स्मिथ की बातों से सहमत हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि फाइनली स्टीव स्मिथ ने अपना बयान दिया है उस मैटर पर जिसमें ऋषभ पंत के बैटिंग गार्ड को उन्होंने मिटाया था। इस पर उन्होंने कुछ चीज़ें साफ करी हैं और आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप उनसे सहमत हैं या फिर नहीं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एक बार फिर नए विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। बॉल टैम्परिंग में एक साल का प्रतिबंध झेलने वाले स्टार खिलाड़ी पर नया आरोप ये लगा कि सिडनी टेस्ट मैच के पाँचवें और अंतिम दिन जब ऋषभ पंत उम्दा बल्लेबाजी कर रहे थे तब ड्रिंक्स के दौरान इस पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने पिच पर आकर उनके लगाए बैटिंग गार्ड को निशान को मिटाने की कोशिश की थी। हालांकि स्मिथ ने इन आरोपों पर हैरानी और निराशा बताई है। उन्होंने कहा है कि इससे भारत की शानदार बैटिंग की चमक कुछ फीकी हो गई है। स्मिथ की कुछ ऐसी वीडियो फुटेज सामने आई थी जो आप सबको पता है। इस पर स्मिथ ने कहा है कि मैं इस तरह की प्रतिक्रिया से काफी निराश और हैरान हूं। उन्होंने कहा कि वो वहां से कुछ चीजों को समझने और अभ्यास के लिए ऐसा कर रहे थे। इस बल्लेबाज ने आगे कहा कि मैं अक्सर मैचों में ऐसा करता हूं ताकि ये समझ सकूं कि हम कहां गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज उसका सामना कैसे कर रहे हैं। मुझे वहां निशान बनाने की आदत है। क्रीज के निशान को पैर से खरोचने के वीडियो के वायरल के बाद स्मिथ को प्रशंसकों और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। इस पर अब फाइनली स्टीव स्मिथ का बयान आ गया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये उनकी आदत है, उन्होंने ऐसा चीटिंग करने के तौर पर नहीं किया था। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।